हमारी इस प्रकृति ने हमें कई तरह की औषधियाँ दी हैं, जिसका सेवन बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ऐसे ही प्रकृति ने पुनर्वा को भी उपहार के रूप में दिया है। ये एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग बॉडी में होने वाली कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। पुनर्वा के सूखे फूल को पीसकर कई चूर्ण में मिलाकर इसका सेवन किया जाता है। इससे बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। पुनर्वा को ब्यूरहेवियर डिफ्यूजा नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में पुनर्वा का मतलब शरीर को ऊर्जावान बनाना होता है। इस पौधे की एक खास बात यह है कि ये ग्रीष्म ऋतु में सूख जाने के बाद ये फिर से जीवित हो जाता है, इसलिए इसको पुनर्वा नाम से भी जाना जाता है। बारिश के मौसम में आते ही इसमें नई शाखाएं आने लगती हैं। इससे ये पौधा वापस से हरा भरा हो जाता है। ये खासतौर से भारत, अफ्रीका, म्यांमार और उत्तर व दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसका सेवन आपको स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका रखता है। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं पुनर्वा के कुछ फायदों के बारे में, और साथ ही ये जानेंगे कि कैसे पुनर्वा किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अपने आज के विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज से हम एक नया 48 घंटे का चैलेंज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सवाल अपने नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमारी टीम 48 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करके आपके सवालों के जवाब देगी। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं पुनर्वा के कुछ फायदों के बारे में। पुनर्वा को थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। इसकी जड़ों में आइसोफ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है, जो एक तरह का कंपाउंड है। इसे फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स, जेंथोन्स, प्यूरिन, न्यूक्लियोसाइड, लिग्निस, एक्सटेराइड्स और स्टेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको स्वास्थ्य जुड़ी समस्या से दूर रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेशन, हेपाटोप्रोटेक्शन, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेशन और ड्यूरेसिस के गुण भी होते हैं। ये किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर बात करें कि क्या किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी के मरीज इसको खा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक औषधीय जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग की जाती है, इसलिए किडनी के मरीज इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर या किसी जानकार की सलाह जरूर लें। जैसा कि हमने बताया कि किडनी के मरीजों को अपनी डाइट में कुछ भी शामिल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन्हें कोई भी चीज कितनी मात्रा में लेनी है। किसी भी चीज का अधिक सेवन डैमेज किडनी को और खराब कर सकता है। अब जानते हैं कि जिनकी किडनी स्वस्थ है और वो अपनी किडनी हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इसके लिए पुनर्वा कैसे फायदेमंद है। पुनर्वा का पहला फायदा है कि आपके वजन को कम करने में मदद करता है। मोटापा होना बीमारियों की जड़ माना जाता है। जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं, उनका शरीर अन्य बीमारियों को पनपने का कारण बन सकता है। ऐसे में उनके वजन को कम करने के लिए पुनर्वा काफी मददगार साबित हो सकता है। पुनर्वा में एंटी ओबेसिटी गुण मौजूद होते हैं, जो बॉडी में फैट को कम करते हैं। साथ ही पुनर्वा की पत्तियों में ब्लड को प्यूरिफायर यानी कि साफ करने की कैपेसिटी होती है। इससे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते, साथ ही एक्स्ट्रा फैट भी शरीर में नहीं बनता। पुनर्वा का दूसरा फायदा है कि आपको डायबिटीज के खतरे से बचाता है। पुनर्वा का सेवन ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ने नहीं देता, इससे आप डायबिटीज के खतरे से बचे रहते हैं। पुनर्वा के इस्तेमाल से ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बना रहता है और इस तरह ब्लड में भी शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती। पुनर्वा में पाए जाने वाले एंटी डायबिटिक गुण न सिर्फ आपको डायबिटीज की बीमारी से दूर रखते हैं, बल्कि किडनी को डैमेज होने से बचाते हैं। आपको बता दें, जिनके ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य बना रहता है, उनकी किडनी भी स्वस्थ रहती है, क्योंकि किडनी में खराबी का एक कारण डायबिटीज भी होता है। तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में पुनर्वा काफी मददगार है। अगर किसी को तनाव है या वो डिप्रेशन का शिकार है, तो उन्हें पुनर्वा इन समस्याओं से दूर रखने में मददगार है। दरअसल पुनर्वा की जड़ में एंटी स्ट्रेस और एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड होते हैं, जो आपको तनाव और डिप्रेशन की परेशानी को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ ही पुनर्वा लिवर से जुड़ी समस्याओं से भी आपको दूर रखता है। पुनर्वा में हेपाटोप्रोटेक्टिव के गुण मौजूद होते हैं, जो लिवर को डैमेज होने से बचाते हैं। साथ ही ये आपके लिवर को सही ढंग से डिटॉक्स करते हैं, जिससे आपको पेट की परेशानी नहीं होती। साथ ही जिन्हें अस्थमा की समस्या है, उनके लिए पुनर्वा काफी फायदेमंद मानी जाती है।
अस्थमा रोग में सांस लेने की दिक्कत होती है। पुनर्वा के सेवन से ब्रोंकियल ट्यूब में मौजूद कैटरल पदार्थ और कफ दोनों ही बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इससे अस्थमा की समस्या कुछ हद तक ठीक हो जाती है। आपको बता दें कि जिन्हें अस्थमा की समस्या है और वो इसके लिए कोई इलाज ले रहे हैं तो वो पुनर्वा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके साथ ही पुनर्वा आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता, जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं। पुनर्वा का सेवन ब्लड की गंदगी को साफ करता है, इससे ब्लड साफ रहता है और सही ढंग से शरीर में फ्लो करता है। जिनका ब्लड ठीक से साफ नहीं होता तो उन्हें बॉडी में परेशानी हो सकती है, साथ ही उनकी त्वचा में ब्लड में खराबी की वजह से समस्या आ सकती है। इसके लिए पुनर्वा काफी फायदेमंद माना गया है। इससे आप त्वचा के रोग से दूर रहते हैं। ध्यान रहे, पुनर्वा की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में सीमित मात्रा में करें। तो ये हैं पुनर्वा के कुछ फायदे जो किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही किडनी के मरीज इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल आपके लिए लेकर आएंगे सिनेमन यानी कि दालचीनी के कुछ फायदे और साथ ही जानेंगे कि ये किडनी के लिए कितना फायदेमंद है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन है जो किडनी के मरीजों को सही डाइट की जानकारी देते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। क्या नाम है? ऋतु। कहाँ के रहने? बुलंदशहर। जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? कितना था? 12। अच्छा, बंद हो चुका है। क्रेटिनिन 12 था, क्रेटिनिन 6 हो चुका है बगैर डायलिसिस के। हुआ ये सब आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट आई है। 12 क्रेटिनिन था, 6 बार डायलिसिस कराया था इस समय। जी, 27 नवंबर 2019, 12 क्रेटिनिन 237 यूरिया, डायलिसिस चल रहा था इस समय 6 बार इनका। उसके बाद इन्होंने टेस्ट कराया और एक इन्होंने टेस्ट उसके बाद कराया है। 2 जनवरी 2020 क्रेटिनिन हो गया 7.19 और यूरिया भी रिड्यूस हुआ 139 हो गया। और फिर एक और टेस्ट हुआ इनका 31 एक 2020, क्रेटिनिन जो था वो इनका हो गया 6.85, यूरिया हो चुका है 159। काफी अच्छा रिजल्ट और फर्क इनको महसूस हुआ है और पहले से ना केवल क्रेटिनिन कम हुआ है, फिजिकली शी इज फीलिंग मच मच बेटर। चलने फिरने की हालत में नहीं थी, व्हीलचेयर पे लाए थे यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से आई थी। जी सर। और अब तो अपना नॉर्मल रूटीन पे भी आ गई और डायलिसिस की जरूरत भी आपको नहीं, इनको नहीं पड़ी है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप देख चुके बड़ी तकलीफ वाली स्थिति है, क्या मैसेज है किडनी पेशेंट्स के लिए? सर, हम तो यही कहेंगे कि इधर को भटकना क्योंकि हमने भी वेट करा नहीं, एक दो दवाई और ली थी आपसे पहले तो वहां से आराम नहीं आया, तो हमने ज्यादा ये नहीं कि 2-4 महीने खानी है दवाई तो आराम नहीं आया, 10-15 दिन में थोड़ा 19-20 का तो आना चाहिए, वो भी फील नहीं हुआ। तो चलो बंद करो दवाई, हमारे पास में रखी हुई है एक डॉक्टर की दवाई लगभग 5-6 हजार रुपये दवाई साइड में रखी हुई, फेंकी नहीं होती रखी हुई, बट फिर आपके पास में आगे उसके बाद में जहाँ से आराम में पैसे कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, पैसे तो कहीं और भी खर्च कर लेता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं और डायलिसिस भी बंद हुआ है, क्रेटिनिन भी रिड्यूस हुआ, फिजिकली चीज मच बेटर, चल फिर रही है, अपना डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मल कर रही है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।